तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि मैं कैब का वेट कर रहा था, पर एक लड़की आई, मुझसे टकराई और मैं उसमें खो गया। लेकिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली आई थी, एक ऐसे बॉयफ्रेंड से मिलने जिसे पता भी नहीं था कि ये दिल्ली में है। वो भी अपने घर से भाग कर आई है और किस्मत मेरी फूट गई। इसकी वजह से मुझे ठंड में बाहर सोना पड़ा और फिर सुबह को मैंने इसे कुछ पैसे दिए ताकि ये अपने घर वापस चली जाए, और वो चली भी गई। लेकिन दो दिन बाद वो फिर मुझसे टकरा गई। लेकिन यहाँ पे कर क्या रही थी? मैंने तो इसे पैसे दिए थे कि वो अपने घर वापिस चली जाए। अब आगे सहे गाइस, गाइस वीडियो बहुत अच्छी बनी है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड फर्स्ट में रिकमेंड किया था कि आप अपनी बियर्ड को ग्रो करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए यूज कर सकते हैं मुश्टेक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल, जो कि 100% आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी और अब रिजल्ट आपके सामने है। और मैं इसे लगातार यूज कर रहा हूँ, आगे भी ये और भी अच्छी होती रहेगी तो आप देखोगे। गाइस, इसके सबसे अच्छे फायदे ये हैं कि आपको बियर्ड ग्रोथ करने में तो हेल्प करता ही है, बल्कि आपकी पैची बियर्ड मतलब जहाँ पे आपके बाल कम आते हैं या नहीं आते, उसको फिल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। गाइस, इसे यूज़ कैसे करना है, आपको इसकी 2 से 3 बूंद लेनी है और अपने चेहरे पर वहाँ पर मसाज करनी है जहाँ पर आपके बाल कम आते हैं, अच्छे से मसाज करना है। मेक श्योर गाइस, आपको इसे रात में यूज़ करना है और सुबह को उठकर फेस वॉश करना है। फेस वॉश कौन सा? मुश्टेक का ओशियन फेस वॉश, क्योंकि ये भी 100% आयुर्वेदिक है, इसमें भी कोई भी केमिकल नहीं है, आप इसे बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसमें बहुत सारे नेचुरल ऑयल है जैसे कि लिकोराइज, सैलिसिलिक, जो कि आपकी एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा दूर करता है। गाइस, मैं इन दोनों को रिकमेंड कर रहा हूँ साथ में यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसे साथ में यूज़ करते हैं तो इसके जो रिजल्ट है वो और भी बेहतरीन हो जाते हैं। तो यार, देर किस बात की, आप जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज करो और देखो अट्रैक्टिव। और हम मिलते हैं वीडियो के बाद। दिल में खुशी तो हुई कि उसका फेस दोबारा मेरे सामने था, लेकिन क्या फ़ायदा, दोबारा अपनी बॉयफ्रेंड की माला जपने लगेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे एक बात बता, जब मैंने तुझे घर जाने के लिए पैसे दिए थे तो क्यों नहीं गई? बता मुझे क्यों नहीं गई? अरे कैसे चली जाती घर? 1200 रुपए तो दिए तूने, 2 दिन में क्या कर लेती? मैंने सोची वो ससुराल ढूंढूंगी मैं पहले, 2 दिन में खत्म हो गए मेरे 1200, रकम थोड़ी नहीं कोई। काजो जाऊं, खाने को पैसा ना है, चली जाऊं घर। ठीक है फिर, मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मुझे नहीं पता तेरा। साइड हो। और फिर मैं आगे बढ़ने लगा और वो किसी छोटे बच्चे की तरह मेरे पीछे आ रही थी। ओए, मैंने तुझसे मना कर दिया ना, मेरे पीछे मत आ। फिर मैं किसके पीछे जाऊं? कोई है मेरे यहाँ? पैसे मेरे पास नो है, वो चूतिया मुझे मिल ना रहा, यहाँ मैं किसी ना जानती, एक तू ही है जिसमें मैं थोड़ा बहुत भरोसा कर सकूं। मत कर बिलीव, मैं एक कंजूस आदमी हूँ जिसने तेरी हेल्प करी, पूरे 1200 रुपए दिए थे और पैसे नहीं है मेरे पास। हट। मैं तो करूंगी और मैं तो आऊंगी, रोक ले। तेरी मेरी बात सुन, जो मेरा लैंडलॉर्ड है ना, अगर उसने तुझे यहाँ पे देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगा, तो प्लीज यार तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाए यहाँ से। और ये बात सुनकर वो एकदम चुप हो गई। मैं ऊपर चला गया और वो वहीं बैठ गई। और थोड़ी देर बाद आकर जब मैंने देखा तो वहाँ थी ही नहीं। मुझे फिर टेंशन हो गई और मैं निकल गया उसे ढूंढने। सुबह हुई तो वो मुझे ऐसे देख के हंस रही थी जैसे उसे पता हो कि मैं उसके पास आ जाऊंगा। और फिर वो बोली, ओए, चला फिर। कहाँ? जाए मच्छी। चल। चबर।
अरे पकड़। अब ये बता आगे क्या करना है। तू एक काम कर, तू ना एक लास्ट टाइम मेरी मदद और कर दे बस। तेरा घर चांदपुर है ना? क्यों, तू वो छोड़ने जाएगा? उसके इन शब्दों से मैं सोच में पड़ गया। मैंने सोचा आज सैटरडे है और कल फिर संडे, मैं इसे आराम से छोड़कर वापस आ सकता हूँ। और फिर मैंने उससे कहा, चल ठीक है, चलूंगा मैं तुझे छोड़ने। अरे खामखा परेशान होएगा, 2000 दे मैं खुद चली जाऊंगी। ऐ घूरे मत ना, मुझे पता है बस कहाँ से मिला है। चल मेरी गैल। हम वहां से निकले तो मैंने सोचा कहां हम बसों में धक्के खाते हुए जाएंगे, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाई। उसका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था तो मैंने एक गाड़ी मंगा ली। हेलो वरुण यार, एक गाड़ी चाहिए थी। और उसने कम पैसों में एक गाड़ी भेज दी एक ड्राइवर के साथ, और हम निकल पड़े उसके गांव चांदपुर। यार मैं घर जाके पापा से क्या कहूंगी, मम्मी से मैं कह के आई कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, और अब तक तो उन्होंने उस दोस्त की भी बात लगा दी होगी। क्या पता मुझे मैं घर जाते ही डंडे बजा दे, और क्या पता मुझे घर में ही ना घुसने दे। मेरी पिटाई होगी तो तू मुझे बचा लेगा? ना बचावे फिर क्यों जा रहा मेरी गैल, जब बचावे ना है। वो ऐसे ही बड़बड़ाती रही और मैं चैन से सो गया। ड्राइवर ने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी कुछ खाने पीने के लिए, और उसके तो मजे ही आ गए, उसने ठूस ठूस कर खाया। अबे बाहर क्यों खड़ी है, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गाड़ी तू लेके चला गया। कौन लेके चला गया? अरे वही तेरा दोस्त, एक पर्स सा देख रहा, वादे के खुश हो लिया और चला गया, यूं चादर बाहर फेंक दी। अबे वो पर्स तो मेरा था, तूने रोका नहीं उसे? मैं क्यों रोकूंगी, तेरा दोस्त है ना भुगत, अपने दोस्त को ला रहा हूं गाड़ी लेके। अबे तुझे भुगत रहा हूं, ये काफी नहीं है? ओ चीख किस तरह तू है, मुझ पर चीख रहा है? बेटा मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद, चोर दोस्त तो तूने पाले हुए, मुझ पर चीखेगा हट। मेरा पर्स कौन सा? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब थोड़ी शाम भी हो चली थी, थोड़ी देर तक तो मैं अपने पर्स के गम में बैठा रहा, और फिर देखा जिस रास्ते वो गई है वो थोड़ा सुनसान है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, और फिर मैं उसके पीछे गया, लेकिन वो तो थी ही नहीं। अबे यार अब ये कहाँ चली गई? वो नाम क्या था इसका? वो नक्चड़ी, वो गवार। वे चल अच्छा है, साली जान छूटी। उस चादर को देखते ही मैं समझ गया कि कुछ अनहोनी हुई है। और मैं इधर उधर भागने लगा उसे ढूंढने। मैंने देखा तीन लड़के उसका मुंह दबाए लेके जा रहे थे, और मैं चिल्लाया, ओए छोड़ो इसे। अबे कौन है तू? और फिर अपने साथी को गिरता देख वो दोनों आ गए, और फिर क्या देहलाद दे घुसे। ओए छोड़ इसे कुत्ता साला हरामी हट। और किसी तरह मैं जान बचाकर भागा। साला पट्टू आ,
अरे भाई, अरे भाई इसलिए तुम्हारा क्या बिगाड़ा, छोड़ दो ना यार। अबे फिर आ गया तू। मैं किसी तरह संभला और मैडम ने मुझे उठाया। शाम भी काफ़ी हो गई थी, हम आधे रास्ते में फंसे हुए थे और जेब में एक पैसा भी नहीं था और मेरा फ़ोन भी टूट गया था। ये फ़ोन भी टूट गया लड़ाई में, जेब में एक पैसा नहीं है, रात होने वाली है और हम बीच रास्ते में खड़े हैं। फ़ोन दिखाइए अपना, फ़ोन दिखा। पकड़। मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ यार, हो गया, पैसे भी जेब में नहीं है, रात होने वाली है और अबे तो इसका क्या चार्ज डालूंगा मैं, फोन चल गया, रात होने वाली है, आधे रास्ते में खड़े हम। समझ नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या ही होगा। अरे मिल गया। क्या मेरा पर्स? तेरे पास था, दे 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 दे। अरे तेरा पर्स ना मिला, मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया। तेरा बॉयफ्रेंड? तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ कहाँ से आया? मेरा यू है तेरे फोन में। और मैंने देखा इसके बॉयफ्रेंड की पिक मेरे फोन में थी और मेरे फ्रेंड सुमित इसका बॉयफ्रेंड था और फिर मैं टेंशन में आ गया। ये तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो तेरे फोन में? चल अब, चल, 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 चल। और अब वो बहुत खुश थी और मैं उदास, क्योंकि सवाल अब ये था कि वापिस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी या अपने घर। मिलते हैं तीसरे पार्ट में जो कि बहुत जल्द आएगा। हेलो गाइस, गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कब चाहिए और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, शेयर कर देना वीडियो को ताकि यार हम तीसरा पार्ट बहुत जल्दी लेके आ जाए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस कर देना ताकि आप थर्ड पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूज करते हैं मुस्टैक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल और ओशियन फेस वॉश तो आपको आपका जो चेहरा है वो एक अलग ही लेवल पे हो जाएगा, मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे आप। तो यार यूज कर लो मुस्टैक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल और ओशियन फेस वॉश, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कस्टमर केयर नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ यार खरीदो और मुझे भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो जाओ फॉलो करो और हम मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।